आपने जो जो अभी स्लाइड वगैरह बताया कि ये डिसएडवांटेज है, मतलब काफिर से शादी करने से, तो अगर कोई लड़की है कि मान लो कि वो डिसएडवांटेजेस के बाद भी वो करना चाहती है, तो उस केस में क्या वो कर सकती है? अलाउड नहीं है उसके लिए। अब जैसे कानून है, रेड लाइट है, सिग्नल पे नहीं तोड़ना चाहिए, बाज लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा, हाँ पकड़ होगी उनकी अगर पकड़े गए तो। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं है, वो मुस्लिम लड़की जो तोड़ती है कानून को, तो फिर उसको अल्लाह को जवाब देना है, उसके दुनिया में भी उसका नुकसान है, आखिरत में भी उसका नुकसान नहीं, पर वो कंट्री क्या उसको लेकिन पनिश करेगा, हाँ एक मतलब बात राइट मैं है? बता दूँ, वो गुनहगार है, वो गलत है, लेकिन वो खुद काफिर नहीं हुई, वो मुस्लिम ही है, वो गुनहगार मुस्लिम है लेकिन वो मुस्लिम है। हम इस्लाम से हाँ बाहर उस लड़की को भी नहीं करते हैं जिसने नॉन मुस्लिम से शादी कर ली, गलत किया उसने, उसने अपनी दुनिया आखिरत दोनों को खराब किया, लेकिन फिर भी वो हमारी मुस्लिम बहन है, हम उम्मीद करते हैं कि उसको एहसास होगा अपनी गलती का और वो तौबा करेगी उस चीज से, अल्लाह से माफी मांगेगी। अपर कंट्री क्या उसको पनिश करेगा इस काम के लिए, कंट्री? पनिशमेंट के ताल्लुक से आप पूछ रहे हैं कि क्या कोई अगर हाँ इस्लामिक कंट्री में रहती तो क्या उसके लिए पनिशमेंट होती, ये आपका सवाल है? हाँ जी भाई, नहीं, ये तो कंफर्म है कि इस्लामी हुकूमत रहेगी तो दोनों को अलग कर देगी, इतना तो कम से कम है कि इस्लामी हुकूमत लाजमी तौर पर अलग कर देगी। जो जो भी गैर शरई शादियां हैं, अगर इस्लामी अदालत में आएगी वो शादी, तो इस्लामी हुकूमत की पहली जिम्मेदारी दोनों को अलग कर देगी। मुसलमान लड़की काफिर से शादी करेगी, इस्लामी औरत उसको अलग कर देगी। एक मुसलमान आदमी और अपनी सगी बहन से शादी कर ले, इस्लामी अदालत में मामला आएगा, दोनों को अलग कर दिया जाएगा। रजाई भाई बहन शादी कर लेंगे, दोनों को अलग कर दिया जाएगा। तो ये पहली बात होगी कि नहीं कर दिया जाएगा। बाकी जो सजा की बात है वो इस्लामी हाकिम के ऊपर है, वो चाहे तो शादी की तौबा कर वजह छोड़ से। सकता है हाँ और चाहे तो नहीं, सजा कर सकता है, उसके ऊपर है। इस्लाम ने कोई सजा तय नहीं की इसकी। आपने जो बोला कि अलग कर देंगे, तो वो अलग क्यों करेंगे? वो तो उनका पर्सनल है ना, मतलब वो कंट्री क्यों अलग करेगा उनको? उनको पर्सनल लाइफ है वो। पर्सनल नहीं है, किसी भी मुसलमान का मामला पर्सनल नहीं होता। भाई बहुत सारे पर्सनल मामला नहीं, जब मुस्लिम वो गवर्नमेंट के लॉ के खिलाफ जाते हैं तो वो पर्सनल नहीं रह जाते हैं। मैं आपके पर्सनल वाले बात की जवाब दे रहा हूँ कि पर्सनल मामला, जैसे इंडिया में कोई खुदकुशी करने जाता है ना, तो वो ये नहीं बोल सकता ना कि मेरा पर्सनल मामला, मैं जीऊँ या मरूँ, गवर्नमेंट आकर के इंटरफेयर करती है ना, तो हर चीज पर्सनल नहीं होती है। जब गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ कोई आदमी काम करता है, चाहे वो अपनी जात के साथ करे या किसी दूसरे इंसान के साथ करे, तो पर्सनल नहीं रह जाता है, फिर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ चला जाता है। मैं ये सिर्फ आपके पर्सनल वाले आर्ग्यूमेंट का जवाब दे रहा हूँ। हाँ नहीं, वो भी उसको भी हम कंडेम करते हैं ना, क्योंकि जब तक कंट्री को कुछ ठीक इफेक्ट है तो नहीं आप होगा कंडम उनको करिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट अलग कर हमें देगी, आप कंडेम। कंडम करते रहिए। नहीं, मैं बोला कि क्यों अलग करेंगे, कंट्री का कुछ नुकसान नहीं है तो उनको करना देना चाहिए। बहुत सारी चीजों में हो सकता है कंट्री का फायदा हो, लेकिन कंट्री फिर भी अगर उसके कानून के खिलाफ कोई जाएगा तो उसको इंटरफेयर करेगी और उसको मैं रोकेगी, तो फायदा बोला होगा तो भी वो रोकती है। कानून बोलूंगा, कानून गलत है, भाई मैं आप बोल कंड, दूंगा। आप बोल सकते हैं ना, आप बोलिए, आपको बोलने से कौन रोक रहा है? मैं सिर्फ आपके इस आर्ग्यूमेंट का जवाब दे रहा हूँ कि अगर कोई पर्सनल पर्सनल हर चीज नहीं होती है, बहुत सारे हो आदमी, एक आदमी वो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो बीमार पड़ा हुआ है बिस्तर पे, रिसोर्सेज यूज कर रहा है, वो मर जाएगा तो उसके रिसोर्सेज दूसरे लोगों के काम पे आएंगे, लेकिन फिर भी वो खुदकुशी करेगा तो वो ये नहीं बोल सकता कि गवर्नमेंट का तो फायदा ही है, मैं रिसोर्सेज यूज नहीं करूंगा, मेरी जगह कोई और खाएगा, मेरी जगह कोई और पानी पिएगा, मेरी जगह कोई और सांस लेगा, वो ये नहीं बोल सकता कि गवर्नमेंट का फायदा इसलिए मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। हर पर्सनल चीज पर्सनल नहीं होती है। आप भाई आप बात फिर घुमा रहे इसलिए हैं, भी हमें, मैं सिर्फ अगर आपके पर्सनल वाले आर्ग्यूमेंट का आप जवाब दे रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना कि पर्सनल मामला है, जब एक गवर्नमेंट एक लॉ बना देती है किसी चीज को कि दो लोग ये इस तरह की शादी नहीं कर सकते, मसलन जैसे बाज मुल्कों के अंदर समलैंगिक शादियां नहीं होती हैं, मर्द मर्द से और औरत से शादी नहीं कर सकता, तो वहां अगर शादी करेंगे तो गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी। गवर्नमेंट वहां ये नहीं बोल सकती कि दो लोगों का पर्सनल मामला है, गवर्नमेंट का जहाँ कानून बना हुआ होता है वहां कानून के खिलाफ जाकर के आप शादी करते हैं। तो ये जो आप तर्क दे रहे हैं ना कि ये पर्सनल है, मैं बोल रहा हूँ कि ये तर्क काबिले कबूल नहीं है। ये जो आप तर्क दे रहे हैं कि पर्सनल नहीं, मामला है, ये तर्क जो है ना, ये तर्क बोल रहा हूँ ये यूज नहीं कर सकता कोई भी कि ये मेरा पर्सनल मामला है। सर पर कुछ गवर्नमेंट से लॉजिक आगे तो निकल होगा जाएंगे, ना गवर्नमेंट की बात अलग है। अगर भाई आपके घर में मुस्लिम गवर्नमेंट खानदान जो है तो होगी उसका आपको लॉजिक नहीं होता, मुस्लिम गवर्नमेंट में तो शरीयत चलती है ना, आप मुस्लिम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम गवर्नमेंट में शरीयत चलती है और शरीयत जो है उसका कानून है, और शरीयत के कानून के खिलाफ कोई कर रहा है तो कानून के खिलाफ जाने की वजह से कानून उस पर कार्रवाई करेगा मुस्लिम गवर्नमेंट में। यहाँ पे कोई कर रहा है तो कर रहे हैं ना, यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर रहा ना। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान लड़की किसी काफिर लड़के से शादी कर रही है, तो यहाँ कोई हम ये नहीं कह रहे कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, या ना मुसलमानों से हम ये कहते कि उसके खिलाफ कोई जो है ताकत का इस्तेमाल करो। जो मुस्लिम गवर्नमेंट होगी वो अपने कानून के हिसाब से चलेगी ना। अच्छा, अभी जो रिसेंटली केस हुआ था, जो पाकिस्तान से एक लड़की आ गई थी सीमा, अगर वो फिर से पाकिस्तान वापस जाएगी तो उसको क्या सजा मिलेगा?
इस केस में पाकिस्तान इस्लामी मुल्क नहीं है। अच्छा नहीं, फिर भी अगर होता तो सजा मिलता वो मतलब पाकिस्तान वालों से पूछिए भाई, हम लोग इंडियन है, आप पाकिस्तान जाकर के पूछ लीजिए सवाल।